जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 के हिंदी में आज हम एकम 4 और उसका विषय है पुस्तक हमारे मित्र। बच्चों, आप जानते हैं कि जो पुस्तक आपको पढ़ने में अभी अच्छी नहीं लगती वो हमारी खास मित्र, खास दोस्त है। यदि हमारे साथ कोई न हो और हम अकेले हो, तब जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें किसी मित्र की या किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पुस्तक हमें कभी अकेला रहने नहीं देती। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में वाचन का शौक होना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिन ब दिन पढ़ना चाहिए ताकि हमें पढ़ना अच्छा लग सके और हमें नया नया ज्ञान है वो मिल सके। तो बच्चों, यह एकम है, इसमें आपको पत्र की जानकारी दी गई है कि पत्र है वो कैसे लिखा जाता है, पत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं, और पत्र में इस बार हमेशा दानी और पता है वो लिखते थे, मगर आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें देखिए कि यहाँ पर पत्र है वो उसका पता है वो दाई ओर लिखा है। तो हमें इस एकम में पत्र की जानकारी प्राप्त करनी है और साथ साथ पुस्तक का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में वो भी हमें जानना है। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल और उसमें एकम 4 पेज नंबर 17 है वो निकाले। मैं जो भी पढ़ा हूँ वो शांति से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि पत्र लेखन के बारे में तो आप जान भी चुके हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, जीवन पत्रों का विशेष महत्व है। हम किसी को पत्र लिखते तो उसका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होता है। पत्र लेखन एक कला है। बच्चों, याद रखना कि किसी को पत्र लिखना यह भी एक कला है। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। पत्र लेखन एक कला है, यह जानकारी छात्र यानी विद्यार्थी आप सभी को पता हो यह आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और प्रेस के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। बट आप जानते हैं कि आज का युग कंप्यूटर मोबाइल का युग है। कंप्यूटर मोबाइल के युग में हम सोचेंगे कि भला पत्र कौन लिखेगा। तो बच्चों, याद रखिए कि पत्र लिखना वो भी एक कला है, और पत्र में लिखते समय पत्र जिसने लिखा है और उसे पढ़ते समय ताजगी, नयापन और जीवंतता का अनुभव है वो होता है। और बच्चों को पत्र लेखन की कला के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके साथ साथ SMS, ईमेल, फेक्स के जमाने भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, अब आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालें और देखें कि आप पत्र में यहाँ पर पता दिया गया है ना, तो आपकी दाई ओर है ना पता। तो दाई ओर पता है तो उसमें पहले क्या लिखा जाता है, भेजने वाले का पता। तो बच्चों, याद रखो कि भेजने वाले का पता है ना, बाद में है पत्र में पता है उसमें पहले पता लिख लेंगे, बाद में क्या लिखेंगे दिनांक।
ये बाद में क्या आएगा? संबोधन। हमने ये सारी बातें हैं वो पत्र लेखन सीखते समय सीख ली है। उसके बाद क्या आएगा? अभिवादन। उसके बाद पत्र लिखने का कारण, हाँ कौन से कारण से यह पत्र है वह लिखते हैं, उसकी जानकारी है वो इस पैराग्राफ में दी जाएगी। तो क्या आएगा? पत्र लिखने का कारण। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद आएगा अन्य समाधान। आपको कोई और जानकारी है तो वो भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद क्या आएगा? अंत में समाप्ति। समाप्ति के बाद आएगा संबोधन। जिस और पता लिखा है उसी और आपको संबोधन लिखना है और संबंध लिखना है। यदि आप अपने गुरु जी को लिखते हैं तो अपना चाहिए विषय लिखना। और अंत में आएगा नाम, उस व्यक्ति से आपका कौन सा संबंध है वो लिखना है। बाद में आएगा अंत में नाम। तो बच्चों पहले हम पत्र है वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे पत्र है वो आ सकते हैं। एक तो यह है पोस्ट कार्ड। आप सभी ने देखा होगा यह पोस्ट कार्ड पीले रंग का होता है। यह पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस में यह मिलता है। बच्चों यहाँ पर हम जिसे पता लिखते हैं, जिसे हमें भेजना है उसका यहाँ पर पता है। पता लिखने के बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर होता है जो कि हमेशा 6 अंकों में होता है। याद रखना हम भावनगर में रहते हैं तो हमारा पिन कोड नंबर कौन सा होगा? 3 6 4 0 0 1 या 2, जो कि हमारे एरिया के किस ओर आता है उसकी ओर 1 या 2 लगता है। तो बच्चों हम जिसे भेजने वाले हैं उसका यहाँ पर पता आएगा और यहाँ पर पिन कोड नंबर जो कि 6 अंकों में होता है। बच्चों यहाँ पर वह पत्र है वो लिखना आरंभ करेंगे। पत्र लिखते समय आप यहाँ पर अपना पता आपने लिखा है इसलिए यहाँ पर अपना पता। बाद में क्या आएगा? अपने पत्र लिखने के बाद आएगा दिनांक। दिनांक लिखने के बाद आएगा संबोधन, जय भारत। बाद में आएगा अभिवादन, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य गुरुदेव। बाद में पत्र लिखने का कारण, हाँ किस कारण से यह पत्र है वो लिखेंगे। तो बीच में यह आएगा। उसके बाद में अन्य समाचार, आपको कुछ जानकारी हो और वह आपको देनी हो तो अन्य समाचार भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद समाप्ति। समाप्ति में क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारी बहन या छोटे भाई को मेरा प्यार, ऐसा लिख सकते हैं। बाद में आएगा संबंध। आप अपने मित्र को लिखते हैं तो प्रिय, तुम्हारी प्रिय सखी। और अंत में अपना नाम, तो आपका संबंध क्या है और उसमें आपका नाम आएगा। ये लिख लेने के बाद यहाँ पर जिस मित्र को आप भेजने वाले हैं उसका पूरा पता है वो लिखना होता है और अंत में पिन कोड नंबर लिखना होता है ताकि पोस्टमैन है उसे पता चलता है कि यह पत्र है वो कहाँ भेजना है। तो बच्चों यह है पोस्ट कार्ड, इसे पोस्ट कार्ड कहा जाता है। बाद में आता है अंतर्देशीय पत्र। देखो बच्चों ये अंतर्देशीय पत्र है वो बहुत ही छोटा होता है पोस्ट कार्ड के मुकाबले में। इसमें ज्यादा माहिती हम लिख सकते हैं और इसमें
बंद करने की व्यवस्था भी होती है। बच्चों यह है अंतर्देशीय पद्धति। आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा अंतर्देशीय पत्र जो यहाँ से बंद हो जाता है, इसलिए हम चिपका लिए तो ये बंद हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अंतर्देशीय पत्र, जिसमें यहाँ हम जिसे भेजने वाला है यह अंतर्देशीय पत्र, उसका पता हमें यहाँ पर लिखना है और हमें पिन कोड और यहाँ पीछे अपना पता मैंने लिखा है तो यहाँ मेरा पता है वो मुझे लिखना है और यह अंतर्देशीय पत्र मैं जिसको भेजना चाहती हूँ उसका पता हम आगे की ओर लिखेंगे और हमारा पता है वो पीछे की ओर लिखेंगे। बच्चों अब है लिफाफा। लिफाफा है उसके बारे में तो आप सभी को अच्छी तरह से जानकारी है वो प्राप्त है। बच्चों आप रक्षाबंधन को की तब ऐसे लिफाफे में अपने भैया के लिए या अपने अपनी बुआ को भी है वो हमारे पिताजी के लिए ऐसे लिफाफे में पत्र डालती है और साथ में राखी भी डालती है। तो बच्चों इसमें जो पत्र डाला जाता है उसमें अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड के मुकाबले में ज्यादा लिखा जाता है, क्योंकि जो पत्र हम लिखते हैं वो हमें इसमें डाल देना है। यहाँ पर आगे की ओर हमें जिसको भेजना है यह लिफाफा उसका पता है वो पूरा लिखना है, अंत में पिन कोड नंबर लिखना है, यहाँ पर टिकट आईडी जिसको आपको चिपकाना है ताकि यह इसका भेजने का मूल्य है वो आपने दे दिया है और यहाँ पीछे अपना पता है वो लिखना है। जो पोस्ट में पता है उसे यदि आगे लिखे गए पते पर कुछ व्यक्ति नहीं देते तो वह फिर से हमारे पते पर यह पोस्ट कार्ड है वो वापस भेज सके, इसलिए यहाँ पर हमें अपना पता है वो लिखना है। इसमें पत्र डालने के बाद यहाँ से इसको बंद करना है ताकि यह सेव हो सके। तो बच्चों आपने देखा ना कि पोस्ट कार्ड होता है, अंतर्देशीय पत्र होता है और लिफाफा होता है, ये तीनों के बारे में आप है वो जानकारी प्राप्त है वो ले लेना, क्योंकि पोस्ट कार्ड में ये तीनों चीजें वो मिल जाती है। बच्चों अब हम एकम की शुरुआत है वो करने वाले हैं। 195 उमैया नगर सोसाइटी, आपको पता ही है। मुद्रा जिला है कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज नमस्ते। बच्चों देखना पहले आया पता भेजने वाले का पता, बाद में आया दिनांक, दिनांक कौन सी है 4/8/2011। बाद में है संबोधन, संबोधन कौन सा दिया है प्रिय मनोज, और अभिवादन यानी नमस्ते। हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसे भारत भी लिख सकते हैं। बच्चों अपत्र है उसकी शुरुआत है वो पते है। पत्र की शुरुआत करूँ तो बच्चों याद रखना पैराग्राफ है वो करना है हमें। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहां सभी कुशल होगी। यहाँ पर उज्जैन नाम का एक दोस्त है वो अपने मनोज नाम के दोस्त से पत्र लिखता है और कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहां तुम भी कुशल हो। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा हूँ, पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा हूँ मगर समय के अभाव में मैं तुम्हें पत्र है वो लिख नहीं पाती, परंतु हमारी पाठशाला में वाजी गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। बच्चों आपके स्कूल में भी वाजी गुजरात अभियान के अंतर्गत कई प्रवृत्तियां है उसका आयोजन किया गया हो। उसी तरह यहाँ पर पूजन है वह बताता है कि मेरी शाला में वाजी गुजरात अंतर्गत कई प्रवृत्तियों का आयोजन है वो किया गया था।
कैसा, तो कि निबंध लेखन हो, पत्र लेखन हो, वक्तृत्व स्पर्धा हो, ऐसा आयोजन है वो हमारी स्कूल हमारी शाला के द्वारा किया गया था। इसमें मैं सम्मिलित हो गया था, इसमें मैंने भी भाग लिया था। मित्र तुम भी वाचरे गुजरात अभियान में सम्मिलित हो गए। वह गुजर है वो मनोज को कहता है कि तुम भी वाचरे गुजरात में जो अभियान चल रहा था उसमें तुमने भी भाग लिया होगा। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने एक सूत्र है वो घोषित किया था। कौन सा सूत्र था? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। मैं आज पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। बच्चों याद रहा कि पत्र कौन से हेतु से लिखा गया है? तो कि पत्र है वो किताब का महत्व बताने के लिए पत्र है वो लिखा गया है। किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है। किताब है वो हम सभी की मित्र है और हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फल बताती है। कोई अच्छा है, क्या चीज बुरी है, इसका फर्क है वो हमें पुस्तक के द्वारा प्राप्त होता है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करते हैं। बच्चों याद रखना, गांधी जी ने पुस्तक के बारे में क्या कहा है? गांधी जी ने पुस्तक के बारे में कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जब हम नहाते तो नहाते हैं हमारे शरीर के ऊपर जो मैल होता है वो साफ करने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं। तो पुस्तक के द्वारा हमारे मन में जो गंदे विचार है वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। पुस्तक है वो हमारे ज्ञान और विज्ञान दोनों को कार्यशील है वो रखती है। किताबें मूल्यवान है, वो बहुत ही कीमती है पुस्तकें। इनमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाया एवं संवारना है। इसे पढ़कर कुछ बातें हैं वो हमें हमारे जीवन में उतारनी है, अमल में लेनी है वह बातें, और हमारा जीवन है उसे सजाना है और उसे संवारना भी है, यानी कि अच्छा बनाना है। मित्र मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तक चाहिए। बच्चों यह मित्र है वो अपने मित्र को बताता है कि मुझे पैसा नहीं मगर क्या चाहिए? पुस्तक चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। वो कहता है कि जन्मदिन पर मुझे फूलों का गुलदस्ता नहीं, फूलों से बनाया हुआ गुलदस्ता होता है जिसे इंग्लिश में हम बुके बोलते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मगर मुझे तो एक किताब भेजनी चाहिए। पुस्तकें हमारे मित्र है और रहेगी। पुस्तक है वो हमारे मित्र है और हमेशा वह हमारे मित्र ही रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं हर रोज किताब है उसका एक पन्ना पढ़ता हूँ और वह मैंने शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मेरी आशा है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो तो तुम भी रोज का एक पन्ना है वो पढ़ो। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। बच्चों अन्य समाचार में उसने लिखा है कि चलो आज से संकल्प करें, संकल्प यानी कि निश्चय करें कि हाँ अपने दोस्तों को जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट दे। हम गिफ्ट में क्या है? क्योंकि हम गिफ्ट में एक मूल्यवान किताब है वो दे ताकि हमारे दोस्त को ज्ञान बढ़ सके। अब हमें बुके नहीं पर फूल चाहिए। बच्चों मैंने पहले ही कहा था कि फूलों का बना गुलदस्ता होता है उसे इंग्लिश में बुके कहते हैं और बुक यानी कि पुस्तक।
बुक है वो इंग्लिश शब्द है। तो अब हमें बुक के जगह पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। बच्चों समाप्ति में उसने लिखा है कि परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। संबंध, उसका संबंध कौन सा है? क्योंकि वह उसका मित्र है, तो उसने क्या लिखा? तुम्हारा दोस्त। बाद में अल्पविराम और अंत में नाम पूजन। तो बच्चों यह एकम है, उसमें हमने सीखा कि पत्र किस ओर लिखा जाता है, पता किस ओर लिखा जाता है, दिनांक लिखनी चाहिए और साथ में पिन कोड नंबर भी लिखना होता है। हमने पोस्टकार्ड, अंतरदेशीय पत्र और लिफाफों के बारे में जानकारी है वो प्राप्त की। बच्चों आप भी अपने मित्रों को यदि कोई तोहफा देना चाहते हो तो उस तोहफे में आप अपने मित्रों को पुस्तक दें और साथ में शुभकामनाएं भी दें। तो बच्चों आप यह वीडियो है वो पूरा देखना, समझने की कोशिश करना। जय स्वामीनारायण।